वैसे आप लोगों के पास कितना ही महंगे से महंगा टीवी हो, बट विदाउट एन होम थिएटर आप टीवी देखने का या म्यूजिक सुनने का मजा नहीं ले सकते। सो दैट गाइस, आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया है टॉप 5 बेस्ट होम थिएटर्स को, जो कि आप अंडर 3000 रुपीज में खरीद सकते हैं। सो अगर आपका बजट भी 3000 है ना, यू आर स्टिल कंफ्यूज या 3000 रुपए में कौन सा होम थिएटर आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए 5 बेस्ट होम थिएटर्स। सभी का जो बेस्ट पैकिंग लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले से दे चुका हूँ, ताकि आपको भटकना ना पड़े। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, नंबर 1 पे आने वाला जो होम थिएटर है वो आपको जयप्रॉनिक्स की तरफ से मिल जाता है, और इसका जो प्राइस है वो अराउंड 3000 रुपीज देखने को मिलता है। ये 4.1 चैनल का होम थिएटर है, जहाँ पे आपको टोटल 60 वॉट्स का आउटपुट मिल जाएगा, जहाँ पे 20 वॉट्स का आपको आउटपुट मिलता है बेस से एंड 10 वॉट्स के स्पीकर है 4, तो टोटल आपको 60 वॉट्स का आउटपुट मिल जाता है, जो की 3000 रुपए के अंदर ना आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस देगा। 4 ओम्स का इसका सैटेलाइट ड्राइवर है, जो की आपके सबवूफर का जो बेस है ना उसको काफी ज्यादा हाई ले जाता है, पे आप चाहे म्यूजिक सुनो या फिर आप टीवी देखो, दोनों का एंजॉयमेंट आपका काफी सही होने वाला है। फ्रंट में आपको आरजीबी लाइट भी देखने को मिल जाएगी इस होम थिएटर के बेस में। सभी तरह के यूजफुल बटन्स दिए हुए हैं। इसका जो साइज है ना वो ज्यादा बड़ा नहीं आता, तो आपको रखने में भी काफी कम्फर्टेबल रहेगा। सभी स्पीकर में आपको आरजीबी लाइट देखने को मिल जाएंगी, तो यार अगर आप एक गेमर हो और गेमिंग के हिसाब से भी कोई होम थिएटर चाहते हो, एक पूरा एंजॉयमेंट चाहते हो, आपके पीसी में इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। 4.1 चैनल के साथ साथ आपको एक इमर्सिव म्यूजिक एक्सपीरियंस इससे मिल जाएगा, या फिर आप टीवी देखने के शौकीन हो, मूवीज देखना प्रेफर करते हो, देन आप टीवी के साथ भी इस होम थिएटर को इजीली कनेक्ट कर सकते हो। रिमोट सेंसिंग डिस्टेंस मिल जाता है, जहाँ पे 6 मीटर से आप इसके रिमोट के थ्रू इन होम थिएटर्स को कंट्रोल कर पाओगे। एक कंप्लीट पैकेज है, 3000 रुपीज में आपको काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, 1 साल की वारंटी मिल जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके चेकआउट कर सकते हो। नंबर 2, F&D A140। गाइस, F&D की तरफ से आने वाला ये जो होम थिएटर है ना, ये आपको ब्लूटूथ अनेबल्ड होम थिएटर मिल जाता है, जो कि आपको 3000 रुपए के प्राइस रेंज में मिलता है। बेस के अंदर आपको RGB लाइटनिंग मिल जाएगी, 2.1 चैनल का है ये, इसका एक ड्रॉबैक लगा मेरे को, बट यार अगर मैं आपसे बात करूँ फीचर्स की ना, तो वो आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक प्रीमियम ब्लैक कलर का फिनिश मिलता है इस होम थिएटर में, छोटे छोटे स्पीकर्स मिलते हैं जिनको रखने में काफी आसानी रहती है। ब्लूटूथ 4.0 का सपोर्ट है, आप ब्लूटूथ के थ्रू स्ट्रीमिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप इसमें FM यूज कर पाओगे, USB रीडर सपोर्टिंग है, पेन ड्राइव लगा सकते हो, अपने टीवी से अपने पीसी से सब जगह आप कनेक्ट कर पाओगे। ना 3000 रुपए में कोई ऐसा होम थिएटर देख रहे हो, जो कि आप 2.1 चैनल के साथ में काफी अच्छा साउंड का एक्सपीरियंस भी ले पाओ ना, तो ये भी काफी सही लगा, क्योंकि यार 40 वॉट का आपको यहाँ पे साउंड आउटपुट मिल जाएगा, जहाँ पे इसका जो बेस है वो आपको अराउंड 20-25 वॉट्स का आउटपुट दे देता है, एंड बाकी 10 वॉट का आपको स्पीकर से देखने को मिल जाएगा। तो काफी सही लगा मेरे को ये होम थिएटर भी, 1 साल की आपको इस होम थिएटर पे वारंटी भी मिल जाएगी। इस नंबर 3 पे आने वाला होम थिएटर आपको मिल जाता है फिलिप्स की तरफ से, फिलिप्स ऑडियो। ये जो होम थिएटर है इसका जो प्राइस है अराउंड 3200 रुपीज मिलता है, जो कि इस प्राइस रेंज में आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। ये भी 2.1 चैनल के साथ में आता है आने को, तो फ्रंट में आपको LED डिस्प्ले के साथ साथ वॉल्यूम कंट्रोल या फिर बाकी मल्टीमीडिया बटन्स मिल जाते हैं, फिलिप्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी सामने, और इसका जो लुक है ना काफी एर्गोनॉमिक लगा मेरे को बाकी होम थिएटर्स के मुकाबले। ये भी एक ब्लूटूथ अनेबल्ड होम थिएटर है, तो आप इसको ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर पाओगे। 35 वॉट का आपको टोटल साउंड आउटपुट मिलता है, तो अगर आपको साउंड से कोई लेना देना नहीं है, ज्यादा आपको साउंड नहीं चाहिए, एक नॉर्मल बट क्लीन ऑडियो एक्सपीरियंस चाहते हो, देन आप फिलिप्स का ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको ऑक्स इन का भी सपोर्ट मिल जाएगा, FM रेडियो से लेके वायरलेस स्ट्रीमिंग भी कर पाओगे, ये वाला भी सही लगा। अगर आपको ऑडियो से ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए तो ये ले सकते हो, बट अगर आपकी प्रायोरिटी है ऑडियो, जहाँ पे आपको ऑडियो एक बास बूस्टेड ऑडियो चाहिए, जहाँ पे ट्रेवल वगैरह सब कुछ मैनेज कर पाओ, देन आप जयप्रोनिक वाला सेलेक्ट करना, वो काफी प्रीमियम होम थिएटर लगा मेरे को। इसके साथ भी आपको 1 साल की वारंटी मिल जाएगी, तो फिलिप्स की तरफ से आने वाला ये होम थिएटर भी काफी सही लगा मेरे को। बिकॉज नंबर 4 पे जो आपको होम थिएटर देखने को मिल जाएगा वो टेक्निया की तरफ से मिल जाता है, जो कि अगेन एक ब्लूटूथ अनेबल्ड होम थिएटर है। तो यहाँ पे अगर आपके लिए ब्रांड कोई इशू नहीं है, देन आप ये वाला सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको 7.1 चैनल मिल जाता है, जहाँ पे इसका जो बेस है ना वो आपको साइज में छोटा देखने को मिलता है, तो आप इसको रखने में काफी ईजी रहेगा। फ्रंट में आपको टच कंट्रोल्स नहीं मिलते, मैनुअल कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बाकी 7 स्पीकर है, तो साउंड काफी सही आने वाला है। वेल, बात करूँ उसके प्राइस की, तो अराउंड 2700 रुपीज में आप इसको अपना बना सकते हो नीचे दिए हुए लिंक के थ्रू। यहाँ पे जो ऑडियो आउटपुट है वो आपको अराउंड 50 वॉट्स का देखने को मिल जाएगा, एंड इसका लुक भी काफी ज्यादा इमर्सिव लगा मेरे को। फ्रंट में आपको FM की फ्रीक्वेंसी के लिए एक अलग से
इन्होंने बार दिया हुआ है, वहाँ से आप एफएम कंट्रोल कर पाओगे। एलटेक ने की तरफ से ये भी सही लगा मेरे को, इसको आप फोन वगैरह सब चीजों से कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि वायरलेस स्ट्रीमिंग भी सपोर्टेड है, क्योंकि एक ब्लूटूथ अनेबल्ड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगी मेरे को इसमें। बट यहाँ पे अगर आपके लिए कोई ब्रांड इशू है देन आप इसको मत लेना, लेकिन अगर ब्रांड कोई इशू नहीं है, आपको केवल होम थिएटर से मतलब है, आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। इस पे भी आपको एक साल की वारंटी मिल जाती है। अभी गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो होम थिएटर मैंने सेलेक्ट किया है 3000 रुपीस के बजट रेंज में, वो आपको आई हॉल की तरफ से मिल जाएगा। इनका हैवी वास्ट थंडर जो कि 2.1 मल्टीमीडिया स्पीकर्स के साथ में आता है, 2500 रुपीस के प्राइस रेंज पे आता है। यहाँ पे आपको एक स्टीरियो साउंड मिल जाता है, मल्टीपल कनेक्टिविटी मिल जाती है, आप इसको USB के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू, SD कार्ड के थ्रू, ऑक्स के थ्रू, FM के थ्रू यूज में ले सकते हो। यहाँ पे बात करूँ रिमोट की तो वो आप 6 मीटर से कंट्रोल कर पाओगे। RGB LED लाइट्स मिल जाती है जो कि इसके लुक को काफी ज्यादा एनहेंस कर देती है। बाकी बात करूँ ऑडियो की तो उससे आपको ऑडियो एक्सपीरियंस भी काफी बेटर मिल जाता है। बट यार अगेन मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ऑडियो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा चाहिए देन आप जेब्रोनिक्स वाला ही सिलेक्ट करना, बाकी नहीं तो बाकी जो है ना आपको 40 वॉट के आसपास ऑडियो एक्सपीरियंस दे देते हैं। वेल आईबॉल की तरफ से आने वाला ये होम थिएटर भी आपको 40 वॉट का एक पावरफुल ऑडियो दे देता है एंड अगेन 1 ईयर की आपको वारंटी मिल जाती है। सो ऑलराइट गाइस, यही थे 5 बेस्ट होम थिएटर्स जो कि आप 3000 रुपीस के अंदर अंदर सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप अपने टीवी के लिए कोई होम थिएटर लेना चाहते हो या फिर अपने पीसी के लिए कोई होम थिएटर लेना चाहते हो। इन पांचों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपका 3000 रुपीस का बजट है। देन मैं मिलता हूँ तुम लोगों से जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ।